कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी भीखीविंड गांव पहुंचे। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने भी शहीद को आखिरी सलामी दी। अंतिम संस्कार से पहले गांव के एक स्कूल में सरबजीत का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी सरबजीत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सरबजीत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सरबजीत को बचाने के लिए उनकी बहन दलबीर कौर ने हर मुमकिन कोशिश की। इस बहादुर बहन ने इंडिया न्यूज को न केवल पाकिस्तान के झूठ के बारे में बताया बल्कि अपने भाई की यादें भी साझा की। कि राहुल जी आएंगे और तमाम पंजाब प्रदेश में जितने भी कांग्रेस हैं भी आएंगे, पंजाब सरकार की ओर से भी नुमाइंदे आएंगे। और देर रात सरबजीत का पार्थिव शरीर पंजाब के भीखीविंड पहुंचा। भीखीविंड सरबजीत का पैतृक गांव है। जैसे ही तिरंगे में लिपटा सरबजीत का शव भीखीविंड पहुंचा, गांव में चीख पुकार मच गई, गांव में मातम पसर गया। यहां तक कि सुरक्षा में मौजूद महिला पुलिस भी अपने आंसुओं को रोक न पाई। सरबजीत का शव भारतीय अधिकारियों को सौंपने के लिए जिन्ना अस्पताल से एक एम्बुलेंस के जरिए लाहौर एयरपोर्ट ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अस्पताल के भीतर और बाहर दर्जनों पुलिस कमांडो तैनात दिखे। सरबजीत की मौत की खबर मिलते ही पंजाब के तरन तारण के पास स्थित उनके गांव भीखीविंड में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। सरबजीत की मौत को लेकर यहाँ के लोगों में बेहद गुस्सा है। सरबजीत की मौत पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि वो भारत के बहादुर बेटे थे जिन्होंने अपनी पीड़ा को साहस और धैर्य के साथ सहा। उन पर हमला करने वाले अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरबजीत के परिवार से मुलाकात की। राहुल करीब आधे घंटे तक रुके। राहुल ने सरबजीत की बहन दलबीर कौर से मुलाकात की, उन्हें गले लगाकर दुख की इस घड़ी में दिलासा दी। इसके बाद राहुल ने सरबजीत की दोनों बेटियों से बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पाकिस्तान में सरबजीत की मौत के बाद देश में सियासी हलकों में भी आक्रोश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में भारत सरकार के रवैये को लेकर सवाल उठाए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सरबजीत की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सरबजीत की मौत के बाद गुड़गांव में बीजेपी और हरियाणा नव निर्माण सेना ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर अपना विरोध भी दर्ज किया। सरबजीत की मौत के बाद बढ़े तनाव को देखते हुए दिल्ली से लाहौर जाने वाली बस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस को खबर मिली है कि बस पर हमला हो सकता है। सूचना के मुताबिक जहां जहां से होकर बस गुजरेगी वहां कहीं पर बस पर हमला किया जा सकता है। पाकिस्तान की जेल में हमले के बाद सरबजीत की मौत से उलेमाओं में भी काफी नाराजगी है। उलेमाओं का कहना है कि अब समय आ गया है कि जब दोनों मुल्कों को एक साथ बैठकर गंभीरता से विचार करना चाहिए, साथ ही पाकिस्तान को सरबजीत की मौत की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। पाकिस्तान के मुसलमानों की उनको लेकर जो विचारधारा है उसको मैंने प्रस्तुत किया। पहले की रिपोर्ट में कहीं भी उनका नाम नहीं था, कालांतर में जोड़ा गया।
और जेल में भी जिस ढंग से आघात हुआ उसके पीछे भी कोई राजनीतिक कुचक्र हो सकता है, तो मेरी भावना है कि वहाँ का न्यायतंत्र, विश्व का न्यायतंत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ दूध का दूध पानी का पानी प्रस्तुत करे। सरबजीत को शहीद का दर्जा दिए जाने के बाद चमेल सिंह के परिवार ने भी सरकार से मांग की है कि चमेल सिंह को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। चमेल सिंह की करीब 4 महीने पहले कोट लखपत जेल में पिटाई के बाद मौत हो गई थी। चमेल सिंह के परिवार का आरोप है कि सरकार उनके परिवार की ओर ध्यान नहीं दे रही। कि सरबजीत सिंह को शहीद का दर्जा दिया गया है, हम चाहते हैं कि हमको भी ऐसा शहीद, मेरे फादर को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। जैसे कि उनके परिवार वालों को हेल्प मिली है गवर्नमेंट की, तो हमारे परिवार को भी ऐसे हेल्प मिले गवर्नमेंट। पाकिस्तान की जेल में सरबजीत के साथ रह चुके लेखूराम को सरबजीत की मौत से गहरा सदमा पहुंचा है। लेखूराम ने सरबजीत की मौत पर दुख जताया है। जब मेरी रिहाई थी वो एक हफ्ता पहला मेरे से मिला है, तो उसने सब मेरी कहानी बताई थी भी ये उधर जाके अपनी सरकार को बताना है। हमारा भाई जो जीता होता था हम बहुत खुशी करते, आज मेरा भाई दुनिया में नहीं है, तो हम सुबह के खाना भी नहीं खाया ना पानी पिया, ऐसे बैठे हैं उसके हम सोच ऊपर, हमारे को बहुत दुख लगा है। जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को देर रात दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मलिक दिल्ली के जंतर मंतर पर आज से संसद पर हमले के दोषी। अफजल गुरु की फांसी के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक मलिक को एहतियातन हिरासत से संबंधित धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है। अफजल गुरु को इसी साल 9 फरवरी को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई और जेल परिसर में ही दफन कर दिया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। अब तक हुए चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने अपनी पार्टी के लिए, जनता को लुभाने के लिए विरोधी दलों पर जमकर हमला किया। राज्य की 223 सीटों के लिए वोटिंग 5 मई को होगी, जबकि प्रिया पाटन में चुनाव 28 मई को होगा। वोटों की गिनती 8 मई को होगी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कर्नाटक के गुलबर्ग में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने बीजेपी सरकार पर राज्य को लूटने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। सोनिया ने 5 मई को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अपने अभियान के दूसरे और अंतिम चरण में बीजेपी से विकास योजनाओं के लिए केंद्र की ओर से दी गई धनराशि का हिसाब मांगा। सोनिया ने लोगों से सोचने और सही सरकार चुनने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो मजबूत और स्थिर सरकार दे सके। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उन 16 भारतीयों में शामिल हैं जिन्हें प्रतिष्ठित फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने दुनिया के 500 पावरफुल लोगों में शामिल किया। इनके अलावा वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, रक्षा मंत्री ए के एंटनी और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में रहने वाले 104 परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इनके घरों को अवैध बताकर बीएमसी उन्हें तोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। इस फैसले के आने के बाद कैंपाकोला कंपाउंड में रहने वाले लोगों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। नोएडा पुलिस और यूपीएसटीएफ ने एमएटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट किडनैपिंग मामले को सुलझा लेने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से फिरौती के 80 लाख रुपए भी बरामद करने का दावा किया है। 30 अप्रैल को एमएटी यूनिवर्सिटी के बाहर से बीबीए स्टूडेंट कुणाल और शाहिद का अपहरण हो गया था और किडनैपर्स ने उनके परिवार वालों से 85 लाख रुपए भी वसूल लिए थे।
गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से आधा दर्जन कट्टे और तमंचों के साथ भारी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। हथियारों की यह फैक्ट्री भोजपुर इलाके में चल रही थी। फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से आधा दर्जन कट्टे और तमंचों के साथ भारी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। हथियारों की यह फैक्ट्री भोजपुर इलाके में चल रही थी। चाइनीज सामानों की यह होली जलाई जा रही है लखनऊ में और नारेबाजी हो रही है चीन के खिलाफ। होली जलाने वाले और नारेबाजी करने वाले ये लोग लखनऊ के व्यापारी हैं। ये लोग चीनी सेना की घुसपैठ से गुस्से में हैं। इन व्यापारियों की मांग है कि केंद्र सरकार चीन को मुंहतोड़ जवाब दे, सख्त से सख्त कदम उठाए, जिससे भविष्य में चीन इस तरह की कोई हिमाकत न कर सके। रिजर्व बैंक ने रिपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25 अंकों की कमी की है, जिससे आपकी ईएमआई कम हो सकती है और सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए यह कदम उठाया है। बढ़ता चालू खाता घाटा, ऊंची महंगाई दर को कम करने के लिए आरबीआई ने यह फैसला किया है। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर संदीप पांचल की मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार से टकराने के बाद दक्षिणी गोवा के बेतल बातिम में एक मोटरसाइकिल सवार को चोट लग गई। पुलिस के मुताबिक पाटिल गोवा घूमने आए थे, वो कार चला रहे थे और साथ में उनका बेटा भी बैठा था। भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मलेशिया ओपन ग्रां प्री गोल्ड टूर्नामेंट के एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने गुरुवार को अपने दूसरे और तीसरे दौर के मुकाबले जीते। सिंधु ने दूसरे दौर के मुकाबले में हांगकांग की यी चेउंग को 11-21, 21-18 और 21-10 से हराया। ये मैच 46 मिनट चला। बहरीन के शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा को गुरुवार को एशियाई फुटबॉल परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने विवादास्पद पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद बिन हम्माम की जगह ली है। शेख सलमान बहरीन फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। वो बिन हम्माम का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे, जो 2015 तक था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संघीय जांच एजेंसी के वकील चौधरी जुल्फिकार की हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें उस वक्त गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उन पर उस वक्त गोली चलाई गई जब वो बेनजीर भुट्टो हत्याकांड मामले को लेकर कुछ तफ्तीश करने के लिए घर से निकले थे। पाकिस्तान लौटने के बाद से पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 2006 में सैन्य अभियान के दौरान बलूच नेता अकबर बुगती की हत्या के मामले में मुशर्रफ को गिरफ्तार किया गया है। बलूचिस्तान पुलिस की एक टीम ने मुशर्रफ को गिरफ्तार कर उनके फार्म हाउस पर करीब 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की। फरवरी में पद छोड़ने के बाद पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें ने पहली बार वेटिकन लौटने का फैसला किया। इस मौके पर पोप फ्रांसिस प्रथम ने नए घर के सामने उनका स्वागत किया। 86 साल के बेनेडिक्ट 16वें को अपने बीच पाकर वेटिकन के लोग काफी खुश हैं। पाकिस्तान के कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर के बाहर एक बम धमाके में 4 लोग घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एमक्यूएम समेत पीपीपी और अवामी नेशनल पार्टी की रैलियों पर निशाना बनाने की धमकी दी है। बीते हफ्ते भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कई कार्यकर्ता मारे गए थे। And